नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी को ट्रांसपोर्ट फीवर 2 इंडिया एडिशन के तीसरे एपिसोड पे। और जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ऑफ कैमरा जाके बहुत सारे लाइन सेटअप किए हैं और ये जा रहा है लाहौर से डिब्रूगढ़ तक का एक्सप्रेस। और तो आज का एपिसोड हम कोलकाता पे फ्यूल लाइन देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और मैंने ऑफ कैमरा जाके बहुत सारा लाइन सेटअप किया। देखिए, मेरा पैसा नहीं बन रहा था, मुझे बहुत इंतजार करना पड़ रहा था। तो मैंने ऑफ कैमरा गया और मैंने, जैसे कि फ्यूल लाइन देख सकते हो आप, ये मुल्तान से पटना तक का फ्यूल लाइन भी मैंने सेटअप कर किया है। और यहाँ पे जब पटना में फ्यूल चाहिए था और मैं मुल्तान से सीधा फ्यूल डिलीवर कर रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ एक मुल्तान से कोलकाता भी डिलीवर करूँ, क्योंकि मैं इसी ट्रेन लाइन से रूट निकाल के मैं ले जा सकता हूँ। तो आज ये करने वाला था। मैंने बैंक लोन भी मेरा पे करना है। जैसे देखिए, 10 मिलियन मैंने बैंक लोन निकाला था, तो इसे मैं रिपे कर देता हूँ। अभी इनकम आना शुरू हो गया है तो करते हैं। और मैंने दूसरा लाइन यहाँ पे भी सेटअप किया है। ये जयपुर में मैंने ट्रेन लाइन बनाया है, जैसे ये देखिए। तो जयपुर को चाहिए था कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और जो मैं यहाँ से मुल्तान कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्लांट से मैं डिलीवर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 ट्रेन डाला है इस पे। तो यही ट्रेन को हम लाहौर ले जाके लाहौर में भी डिलीवर कर सकते हैं, तो इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो अभी मैं कोलकाता पे फोकस हूँ, तो कोलकाता पे मैं फ्यूल डिलीवर करने की सोच रहा हूँ। और फ्यूल मेरा मुल्तान से आएगा एक, और एक शायद यहाँ नीचे से भी देना सही रहेगा। कोलंबो से मुंबई फ्यूल, ओके। कोची को भी दे रहा हूँ फ्यूल, गोवा को भी जा रहा है और मुंबई को भी, जो मैंने पिछले एपिसोड में सेटअप किया था। और कराची को भी मैंने फ्यूल लाइन दे दिया है, तो कराची का फ्यूल लाइन आ रहा है मुल्तान से, यहाँ से। तो और मुल्तान को मैं बाया रोड ही दे रहा हूँ। ये जा रहा है पटना में 29 और कराची में 14। तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से इनकम तो हो रहा है। अभी देखिए, फिर से माइनस में चला गया यार। तो अब आज हम करेंगे कोलकाता का फ्यूल लाइन। हाँ, स्पीड बढ़ा देता हूँ, थोड़ा पैसा आ जाए। कोलकाता में कैसा लाइन दूँ? इस पे पैसेंजर भी चाहिए शायद, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, जो ये लाइन है इसी से मैं पैसेंजर भी दौड़ा सकता हूँ कोलकाता में, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन भी तो है। अभी थोड़ा पैसा आ जाए, फिर मिलते हैं आपसे। थोड़ा सा पैसा आ गया है, देखिए 4 लाख हो गया है। तो मैं एक टर्मिनल बिल्डिंग देखता हूँ। पैसेंजर, हाँ सही है, ये है 160 मीटर का, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। सिटी के अंदर हो तब सही रहता है ना। मुझे शायद इस वाले रोड को डिलीट करना पड़ेगा। 4 लाख सिर्फ रोड डिलीट करने का, वाह भाई।
तो मेरे को पैसा और चाहिए, या फिर मैं यहाँ पे भी सेटअप कर सकता हूँ जहाँ पे फ्यूल को मैं ट्रक से वो कर सकता हूँ, तो यहाँ पे सेटअप करके देखूँ। आ तो कोलकाता ही रहा है, तो मैं यहाँ से ट्रक का लाइन फ्यूल को सप्लाई कर सकता हूँ और यहाँ पे पैसेंजर लाइन भी रहेंगे, तो ये सही रहेगा। और मैं इसको कॉन्फ़िगर भी तो करना है मुझे, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। हमारा ट्रेन लाइन वहाँ पे है, इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और इस पे हम डालते हैं प्लेटफॉर्म, जिस पे रहेगा कार्गो प्लेटफॉर्म। और ट्रैक्स भी डाल लेते हैं। तो कार्गो और पैसेंजर दोनों आएंगे यहाँ पे। अभी ट्रैक्स बनाने के लिए भी उतना पैसा नहीं है, तो फिर थोड़ा टाइम बढ़ा के देखते हैं। हाँ थोड़ा आ रहा है यार, थोड़ा इंतज़ार करते हैं, फिर आ गया पैसा, आ गया पैसा। पॉज कर लेते हैं और फिर बना लेते हैं ट्रैक्स। तो हमारा ट्रैक्स अब इस वाले रोड को भी तो जोड़ना है मुझे, तो ये कंट्री रोड और ये हमारा ट्रैक तो बन गया। अब थोड़ा सा सिग्नल भी दे देते हैं, ये इस साइड आने का और ये इस साइड जाने का। तो ये इस साइड आने वाला यहाँ रुकता है, जाने वाला यहाँ रुकता है। मुझे कोई बोल रहा था कि मॉड ले लो, मॉड जो ये सिग्नल खुद ब खुद लगा देता है। हाँ वो भी सोचना पड़ेगा यार, क्योंकि उसे थोड़ा आसान हो जाएगा। देखते हैं अगले एपिसोड में मैं मॉड लगाता हूँ या नहीं, फिर भी अभी ऐसे ही कर लेते हैं। और बीच बीच में भी तो देना पड़ेगा। अरे क्लिप हो जाए, ऑटो सेव।
लो जी, तो मैंने क्रॉस सेक्शन लगा दिया। अब इस पे सबसे पहले डालते हैं तो हमारा ट्रेन जो है वो दो ट्रेन है। तो सोच रहा हूँ एक को कोलकाता पैसेंजर ट्रेन से बढ़िया है मैं अभी। हाँ यहाँ पे वो भी तो करना है मुझे, फ्यूल डिलीवरी भी तो देना है, तो मैं फ्यूल डिलीवरी के लिए एक बस स्टैंड रख लेता हूँ यहाँ पे, और बस स्टैंड हमारा ऐसे जाएगा और ट्रक स्टॉपेज हमारा इस फ्यूल लाइन को देना है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ कहीं रख दूँ जो पूरा कवर करे। नहीं हो रहा है कवर जी, नहीं हो रहा है। हाँ तो यहाँ पे कवर हो रहा है, ले जी। और हमारा लाइन सेटअप कर लूँ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा हमारा रोड कार्गो, जो हमारा जाएगा कोलकाता फ्यूल सप्लाई। और एक लाइन बनेगा जो हमारा यहां से, वाह भाई वाह, मुल्तान से फ्यूल लेके जाएगा। मैं एक काम कर सकता हूँ यार, इसको मैं बढ़िया सा वो देके दोनों काम साथ में भी करवा सकता हूँ। फिर भी देख रहा हूँ मुल्तान से लॉन्ग डिस्टेंस तो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस है, इस पे मुझे फायदे वाले ही चाहिए यार। तो लाइन सेटअप कर लेता हूँ, तो यहाँ से कोलकाता, हाँ कोलकाता फ्यूल सप्लाई करेगा। तो ये हो गया हमारा ट्रेन कार्गो। मुल्तान फ्यूल टू कोलकाता, अब थोड़ा सा टाइम बढ़ने देते हैं और फिर एक ट्रेन ले लेते हैं। पैसे चाहिए जी, पैसे बहुत पैसे चाहिए।
और चलिए तो ये वाला ट्रेन ले लेता जिसमें मैंने दो इंजन लगाया, ये मुझे थोड़ा सस्ता पड़ रहा था तो इस पे मैं लोन ले लेता हूँ पहले। और हमें पूरा का पूरा वसूल करना है जी, वसूल करना है। और ये हमने ले लिया और इसे हम लगा देते हैं ट्रेन कार्गो मुल्तान फ्यूल टू कोलकाता। हाँ जी, तो ये हमने लगा दिया और बाकी हम रिपे कर देते हैं। और यहाँ से ट्रेन निकलेगा। तो हमारा ये फ्यूल भी हो गया है, तो हमारा फ्यूल लाइन, कोलकाता का फ्यूल लाइन जो है वो सेटअप हो गया है। अब पैसेंजर के बारे में कुछ सोचते हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं इस पे। अच्छा तो हाँ, मुझे फ्यूल भी तो डिलीवर करना है। अरे यार, बिना उसके तो ये चलेंगे भी नहीं। और रोड डिपो चाहिए, थोड़ा पैसा बन जाए। चलो रोड डिपो बना लेते हैं कोलकाता के पास में। रोड डिपो, और यहां से हम खरीदेंगे कार्गो में जो फ्यूल सप्लाई। हाँ, ये फ्यूल सप्लाई करता है और इसका कैपेसिटी है 5 5। ये ऑल कार्गो है और ये अमेरिकन है, ये एशियन है, तो ये ही ले लेते हैं 4। चलो 5, और इसे डाल देते हैं हम कोलकाता फ्यूल सप्लाई में। और ये हमारा लाइन रेडी हो गया है। ये देखिए जी, यू डिडंट सी एनीथिंग। तो हमारा कोलकाता का फ्यूल लाइन रेडी हो चुका है और अब देखते हैं पैसेंजर लाइन के लिए क्या करें। राजशाही नहीं, मुझे पटना ही दौड़ाना पड़ेगा पैसेंजर लाइन, तो इसके बारे में सोचते हैं। तो एक लाइन सेटअप कर लेते हैं पटना से, जो पटना तक ही आएगा कोलकाता से। फिर वहाँ से तो दूसरे ट्रेन बहुत है जो डिब्रूगढ़ से लाहौर तक दौड़ती है, और एक कराची से दिल्ली भी आती है एक ट्रेन। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, कराची में बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का, 32 लोग है। और ये ट्रेन कहाँ पे अभी आ रहा है शायद। हाँ आ रहा है, मुल्तान फ्यूल में होगा। हाँ ये देखिए आ रहा है, तो ये कराची से दिल्ली तक का ट्रेन है। और मुझे एक पटना कोलकाता करना है, तो एक लाइन सेटअप कर लेते हैं जब तक पैसे बन जाते हैं। अच्छा इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ, और पटना कोलकाता, ओके, ये होगा टीपी, ट्रेन पैसेंजर पटना
से कोलकाता। तो हमारा पटना से कोलकाता वाला लाइन भी अब रेडी होने वाला है और इस पे भी मैं एक ट्रेन डाल देता हूँ। तो इसके लिए मुझे कोलकाता में एक सेटअप करना पड़ेगा। दूसरा ट्रेन आया और इसके साथ एक ट्रैम भी आया है। कोलकाता में ट्रैम लाइन लाइन लगाना पड़ेगा जी। अरे यार, हाँ कोलकाता। अच्छा यार, पैसे क्या है, माइनस हो गया। तो देखते हैं, अभी थोड़ा इंतजार करते हैं, फिर कोलकाता में एक ट्रैम लाइन के बारे में भी सोचते हैं। और ये फ्यूल जो है वो डिलीवर तो हो रहा है अच्छी तरीके से। यहाँ पे भी मटेरियल बनता है, तो मैं कोलकाता यहाँ से एक लाइन दे दूँ तो ये वाला भी यहाँ मटेरियल बनाएगा। अब इसे डिलीवर हम करेंगे राजशाही। राजशाही करना पड़ेगा मुझे डिलीवर, क्योंकि राजशाही में लोग ही नहीं है। और ये फूड लाइन, यहाँ पे फूड ज्यादा हो रखा है शायद। 44 फूड। राजशाही में एक फूड लाइन बनाते हैं, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो दोस्तों, फिर मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा यार पैसे के लिए। बहुत ही मुश्किल है यार ये पैसा बनाना भी। पर चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ डिपो से अब एक वो लेने की कोशिश करता हूँ, बाय करने की, पर मेरे पास अभी 1.9 मिलियन ही है और शायद ही इससे मेरा कुछ हो पाएगा यार। फिर भी एक पैसेंजर ट्रेन देखते हैं कितना पड़ेगा। स्टीम अभी अभी ये खुला था और इसका प्राइस बहुत महंगा है। ये वाला लूँ या ये वाला लूँ, दोनों 50 है। इसका थोड़ा पावर ज़्यादा है और ट्रैक्शन एफर्ट भी ज़्यादा है। क्या करूँ यार, चलिए अभी इसी से काम चलाते हैं और उसके बाद पैसेंजर वाला लेते हैं। ये 40, 50, 50, ये छोटा वाला लेते हैं। ज्यादा हो गया जी, ज्यादा हो गया। तो इस पे मैं कैपेसिटी रखता हूँ अभी 48 की। हाँ, तो इसके लिए मुझे चाहिए 2.2। तो मैं थोड़ा बोरो कर सकता हूँ क्योंकि मैंने लोन सारा पे कर दिया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लोन लेके, कहाँ गया हमारा डिपो? हाँ, तो डिपो, अरे अरे ये वाला डिपो नहीं, ट्रेन वाला डिपो। हाँ यार, तो हम लेने वाले थे ये एक पैसेंजर जिसपे हम 48। हाँ, और इसको हम रखते हैं पटना टू कोलकाता में। हाँ, और बाकी लोन हम रीपे कर देंगे। और मुझे चाहिए एक यहाँ पे कोलकाता पे एक लूप चाहिए जी। थोड़ा बोरो कर लेता हूँ और रोड,
कोलकाता पे बड़ा शहर है यार, तो इसको बढ़ाना सही रहेगा। हमें ऐसा रूट बनाना पड़ेगा जो रेलवे तक आए, तो मैं वन वे रूट देख रहा हूँ। तो यहाँ से एक और कहाँ रखेंगे एक को, तो हम रखेंगे यहाँ पे। ये शायद पूरा लूप ले लेगा शायद, शायद ही बोल सकते हैं। फिर एक लाइन क्रिएट करते हैं और इसे हम यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो ये हमारा एक लूप हो गया। तो ये रहेगा हमारा रोड कार को। कोलकाता सिटी ट्रांसपोर्ट, हाँ तो ये हमारा बन गया है। बीच पे मेरा पता नहीं रिकॉर्डिंग में क्या हो गया था कि आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे थोड़ा सा मिला के फिर से करना पड़ा है। और कोलकाता से मुझे याद आया, मैं एक बार कोलकाता गया था जी, तो वहाँ पे मैंने, मेरा एक्चुअली इंटरव्यू के लिए गया था, तो मेरा इंटरव्यू था सॉल्ट लेक में। तो उसके बाद फिर मुझे हावड़ा देखने का मन था, हावड़ा ब्रिज कैसा होता है। तो फिर मैं वहाँ से बस पकड़ के हावड़ा गया, और हावड़ा जाके मैंने बोला कि हावड़ा ट्रेन स्टेशन में बोला कि मुझे सियालदह के लिए टिकट देना। तब पता चला कि वो मुझे बोल रही है कि अरे भाई हावड़ा और सियालदह के बीच में तो कोई भी ट्रेन नहीं चलती। अरे यार मुझे पता भी तो नहीं था ना उस वक्त। तो देखते हैं कौन सा आया है। हाँ तो ये ले लेते हैं, और ये चार लेते हैं, और इसे हम डाल देते हैं कोलकाता सिटी ट्रांसपोर्ट पे। हाँ तो हमारा ये लाइन भी रेडी हो गया है, और बाकी जो लोन है वो मैं रिपे कर देता हूँ। और देखते हैं फायदा होगा या नहीं, ये तो पता नहीं। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्या हो गया, हाँ कार्गो स्टॉप cannot be used by passenger vehicle। अरे कार्गो स्टॉप मैंने कहाँ लगाया, मैनेज लाइन। अरे ट्रक स्टेशन भी लगा दिया क्या मैंने, चॉर्च लेना, इसे हटा दो ना, बस हो तो गया। यार कभी कभार गलत भी हो जाता है। तो देखिए, तो अभी से पैसेंजर आना शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं हमारा ट्रेन लाइन भी कितना फायदा देता है। यही होगा कोलकाता का ट्रेन। कहाँ चला गया, तो जी इसी के साथ मैं आज का एपिसोड ख़त्म कर रहा हूँ। और मैंने इस एपिसोड थोड़ा छोटा रखा है, क्योंकि मेरा दो एपिसोड था जो तकरीबन घंटे भर और घंटे से ज़्यादा का था।
तो मुझे थोड़ा सजेशन मिला कि बोल रहे थे कि थोड़ा कम रखो, तो इसीलिए आज का एपिसोड मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और अगले एपिसोड में मैं बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, औरंगाबाद, इंदौर, इन पे फोकस करूँगा। मैं इन शहरों को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करूँगा। अभी हमने ये ऊपर वाला जो नॉर्दर्न फ्रंटियर है तो उस पर मैंने बहुत फोकस किया, और ये पाकिस्तान के लाइन पर देख लिया, लाहौर, हिंदुस्तान, कराची, ये लाइन बहुत बिजी रख लिया है मैंने। तो आज का एपिसोड बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा पैसा बना के फिर से वापस आते हैं जी अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी।